हेलो गाइस, वेलकम टू क्रेस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आपको पार्शियल डेरिवेटिव का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोला आपको, इफ़ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस फाई ऑफ एक्स माइनस सी टी, प्रूव दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। तो आपको जो गिवन दिया हुआ, पहले उसको आप लिख लो। गिवन जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस, इसको ऐसे क्लोज कर लो, देन प्लस फाइव ऑफ एक्स माइनस सी टी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, जेड को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिख लो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, इसको वन ले लो, इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी विल बिकम एफ डैश एक्स प्लस सी टी। एक्स का देखो कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, वन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। ओके, फिर यहाँ पे छोड़ दो, फिर लिखो यहाँ पे फाई डैश एक्स माइनस सी टी। यहाँ भी देखो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वन है, तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे मिल चुका है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग, इसको आप टू ले लो, इक्वेशन टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी। तो यहाँ पे वन आएगा बिकॉज एक्स का देखो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या, वन है, तो यहाँ पे लिखो फाइव डबल डैश एक्स माइनस सी टी, यहाँ पे क्या आएगा, फिर से वन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन पर थर्ड इसको कंसीडर कर लो। ओके, तो ये जो मैंने इसको निकाल चुके, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मतलब क्या है, जेड को जो है मैं अब टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को अपन यहाँ कंसीडर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे इसको मैं अब पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, डेल जेड अपॉन में डेल टी इक्वल्स टू, देखो ये क्या होगा अपना, ये इसको देखो आप एफ डैश एक्स प्लस सी टी। ओके, अब देखो टी का कोफिशियंट यहाँ पे क्या, सी है कि नहीं। ठीक है, देखो टी का कोफिशियंट यहाँ पे कौन है, सी है, तो यहाँ पे आपको एक सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ एक्स, देखो ये अपना क्या है फाई। ओके, फाई ऑफ एक्स फाइव, ये अपना डैश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो माइनस सी टी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे अपना क्या है, माइनस सी है कि नहीं, तो यहाँ पे एक माइनस सी का मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको फिर से एक बार रीअरेंज कर दे रहा हूँ मैं, सी इंटू एफ डैश एक्स प्लस सी टी, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस सी टाइम्स फाइव डैश एक्स माइनस सी टी, ये अपना हो गया। अगेन अपन क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, लेट्स सपोज दिस इक्वेशन पर फोर। ओके, यहाँ पे लिखो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फोर विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो अपने क्या हो गई है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये अपना क्या रहेगा, सी एज इट इज एन, तो यहाँ पे देखिए अपना एफ डबल डैश हो जाएगा एक्स प्लस सी टी हो जाएगा ये। अगेन देखो टी के रिस्पेक्ट में करें, देखो टी के रिस्पेक्ट क्या आप, देखो टी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सी है, दिस विल बिकम सी स्क्वायर। ओके, फिर माइनस सी देखो यहाँ पे, दिस इज फाइव डबल डैश एक्स माइनस सी टी, फिर देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस सी फिर से आएगा, क्योंकि देखो टी कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस सी है, इसको फिर से अपन रीअरेंज करके लिख लेते हैं, सी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी माइनस सी माइनस सी, ये अपना क्या होगा, ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा फाइव डबल डैश एक्स माइनस सी टी। ओके, अब अगर यहाँ पे अगर सी स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लूँ, देखो अपने पास क्या रहेगा यहाँ पे, एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी, ओके, प्लस
यहाँ पे क्या रहेगा, फाइव डबल डैश एक्स माइनस सी टी। ओके, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बताओ अपना क्या है, इक्वेशन नंबर टू से कंपेयर करो, ये अपने देखो क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, सी स्क्वायर टाइम्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम, देखो ये अपना कौन से इक्वेशन का बताओ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, और यही था जिसको मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, देख लो आपको क्या निकला था, प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस, और ये जो है मैंने फाइनली इसको अचीव कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।